वीकेंड के दौरान दो कोवर्कर्स लेट नाइट ऑफिस पर काम करते हुए वापस घर जाते टाइम लिफ्ट में स्टक हो जाते हैं। दो दिन तक वीकेंड होने के कारण इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता। कहानी में ट्विस्ट जब आता है, इनके फंसने के पीछे भी एक मिस्ट्री है। आज हम वही जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी डॉन, जो 2019 में रिलीज हुए, उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें सस्पेंस, मसालेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स है। जिसको सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ पसंद है, वो इस वीडियो को एंड तक देखे और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मूवी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर जेनिफर नामी लड़की से, जो वीकेंड के दौरान देर रात तक काम कर रही थी एंड घर जाने के लिए रेडी होती है। ये हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है गाई, और ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी होता है। ये दोनों अलग अलग फ्लोर पर एक ही लिफ्ट में इंटर होते हैं। गाई लिफ्ट में जेनिफर से बात करने के लिए ट्राई करता है और उसे जोक सुनाता है, फिर भी जेनिफर उसे भाव नहीं देती है। फिर लिफ्ट के वॉल पर एक ड्राइंग होती है जो गाई जेनिफर को बताता है। अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में लाइट ऑन रहती है, बट फिर भी कुछ काम नहीं करता। वो लोग इमरजेंसी बटन्स प्रेस करते हैं, वो भी कुछ काम नहीं करते। जेनिफर कैमराज देखकर वो दोनों मिलकर कैमराज में वेव करते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है उन्हें। उन लोग को फ़ोन का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। फिर जैसे तैसे वो दोनों टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ का पास्ट बताकर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर जेनिफर को प्यास लगती है, गाई उसे वाटर बॉटल ऑफर करता है। पहले वो मना कर देती है, फिर उसे ले लेती है। रिटर्न में वो उसे एक चॉकलेट ऑफर करती है। फिर कुछ टाइम बाद जेनिफर को पी आता है और वो बहुत अनकम्फर्टेबल होती है। गाई उसे कम्फर्टेबल कराता है और बताता है, ये तो नेचुरल है, तुम मेरा बॉटल क्यों नहीं यूज़ करती। फिर वो उसे बॉटल ऑफर करता है, फिर उस तरफ पलट जाता है। जेनिफर उसमें पी कर लेती है। गाई फिर अपने पास रखी हुई एक वाइन की बॉटल ओपन करता है एंड उसे दोनों पीते हुए इंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हुए वो दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाते हैं। गाई जेनिफर की पेंटिंग बहुत दिल से अच्छी बनाता है एंड वहीं जेनिफर उसे लाइट लेके जोकर जैसा बनाती है। ऐसे ही टाइम होता है, वो दोनों काफ़ी बोर होते हैं एंड खाने के लिए भी कुछ नहीं होता उन लोग के पास। फिर वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। एट लास्ट वो लोग हम सबकी फेवरेट टॉपिक घपाघप की बातें शुरू करते हैं और अपने पास्ट के घपाघप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एक दूसरे से। घपाघप के बातें करते करते वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बिना बात करे घपाघप शुरू कर देते हैं। घपाघप ख़त्म होने के बाद गाय बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है जेनिफर से और अपनी दिल की फीलिंग शेयर करता है उससे। वहीं पर जेनिफर ये सब कैजुअल की तरह देखती है, जो कि हर गले से ही करती है, और जेनिफर उसे बोलती है ये सब बस सिचुएशन था और कुछ नहीं। ये सुनकर गाई हर्ट हो जाता है और अपना रियल साइड निकालता है और उसे सब बता देता है। ये बताता है कि वो इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है, उसी ने ये सारा प्लान किया था कि ताकि लिफ्ट को स्टॉप कर सके, उसके करीब आ सके, उसको जान सके, उससे बात कर सके। ये सुनकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर चिल्लाने लगती है तुमने ऐसा क्यों किया। गाई फिर अपने सारे फीलिंग्स उसको बता देता है, वो उसको कितना चाहता है, कब से उसको नोटिस कर रहा है, कब से वो फॉलो कर रहा है। गाई उसको बता देता है उसे कब से जानता है, कब से फॉलो कर रहा है, और बहुत इमोशनल होकर उसे बोलता है कि लिफ्ट की चाबी मेरे पास है, मैं उसे ऑन कर देता हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। ये सब सारी बातें सुनकर जेनिफर और गुस्सा हो जाती है और उस पर पुलिस में दे देने की धमकी देती है। ये सुनकर गाई लिफ्ट को फिर से स्टॉप कर देता है। जेनिफर फिर से स्टार्ट करने जाती है और गाई उसको पकड़कर रोक लेता है। इस दौरान लिफ्ट की चाबी टूट जाती है, अब लिफ्ट एक्चुअली में स्टॉप हो चुकी है। फिर दोनों एक दूसरे से फिर से घपाघप करते हैं, वो वाला घपाघप नहीं, फाइट वाला घपाघप, जिसके दौरान दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद दोनों लिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हैं। गाई बोलता है यहाँ पर कुछ तो रास्ता होगा लाइट मेंटेनेंस, लिफ्ट मेंटेनेंस का। वो जैसे तैसे करके लिफ्ट का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ देता है और जेनिफर को कहता है मुझे ऊपर जाने में हेल्प करो, बट जेनिफर बोलती है मैं ऊपर जाऊँगी, तुम मुझे हेल्प करो। ये बोलकर जेनिफर उसे कन्विंस कर लेती है और ऊपर जाने के लिए गाई को मना लेती है। फिर गाई उसे हेल्प करता है ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के बाद जेनिफर उसको चकमा देती है और अकेले ही ऊपर निकलने की कोशिश करती है। ये देखकर गाय को फिर से और गुस्सा आता है। वो जैसे तैसे करके चीज़ों का इस्तेमाल करके वो भी ऊपर लिफ्ट की
बाहर निकल जाता है। लिफ्ट के बाहर निकल कर जेनिफ़र को फॉलो करता है। फॉलो करते हुए वो जेनिफ़र के लेग को खींच देता है। खींचने से दोनों वापस नीचे आकर लिफ्ट में फिर से गिर जाते हैं। गिरने के कारण दोनों बेहोश हो जाते हैं। इनमें हम देखते हैं कि गाय का एक दोस्त जो वो भी सिक्योरिटी गार्ड ही रहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए लेके आता है। वहाँ पर वो नोटिस करता है सीसीटीवी कैमरा में गाय किसी एक लड़की के साथ लिफ्ट में फंसा हुआ है। वो उन लोगों की हेल्प करने आता है। हेल्प करने के दौरान वो लिफ्ट का थोड़ा सा डोर खोलता है। जैसे ही थोड़ा सा डोर खुलता है वो डोर की चाबी लाने के लिए जाता है। जैसे ही गाय का दोस्त चाबी लाने के लिए जाता है, गाय फिर से जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है। जब उसका दोस्त चाबी लेकर आता है वो उसे भी वहीं पर मार देता है, उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है। फिर गाय जेनिफर की बॉडी को लेकर अपनी कार की ट्रंक में डाल देता है और फ्रेश होने चल जाता है। जब वो वहाँ पर लॉबी में आता है, फिर वो ऑफिस की लॉबी में सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करता है और वहाँ अपनी दोस्त की जीएफ को भी मार देता है। वहाँ से वो जेनिफर को गाड़ी में ले जाता है सुनसान जगह और गाड़ी को ऑयल डालकर जलाने जाता है। जब वो गाड़ी का ट्रंक खोलने जाता है तभी जेनिफर उस पर हमला कर देती है। हमला करते ही बाजी को पलट कर वही गाय को मार देती है और जला देती है। और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।